दिव्यांगजनों के लिए भी मेरी सरकार ने सुगम्य भारत अभियान चलाए हैं। साथ ही भारतीय सांकेतिक भाषा में पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई है। ट्रांसजेंडर को समाज में सम्मानजनक स्थान दिलाने और उनके अधिकारों के संरक्षण हेतु भी कानून बनाए हैं। माननीय सदस्यगण, हमारे यहाँ विश्वकर्मा परिवारों के बिना दैनिक जीवन की कल्पना भी मुश्किल है। ये परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी अपने कौशल को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन सरकारी मदद के अभाव में हमारी विश्वकर्मा साथी बुरी स्थिति से गुजर रहे थे। मेरी सरकार ने ऐसे विश्वकर्मा परिवार को भी सूद ली है। अभी तक पीएम विश्वकर्मा योजना से 84 लाख से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। रेठी, ठेले, फुटपाथ पर काम करने वाले साथी भी दशकों से अपने हाल पर छोड़ दिए गए थे। मेरी सरकार ने पीएम स्वनिधि योजना द्वारा उनको बैंकिंग से जोड़ा। इस योजना के तहत अब तक 2000 करोड़ रुपया से अधिक की राशि के ऋण दिया जा चुका है। सरकार ने इन पर भरोसा करते हुए बिना कोलेटरल के ऋण दिया है। इस भरोसे के मजबूत करते हुए अधिकांश लोगों ने ऋण भी वापस किया है, अगली किस्त का भी लाभ उठाया है। इस योजना के अधिकतर लाभार्थी दलित, पिछड़े, आदिवासी और महिलाएं हैं। माननीय सदस्यगण, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर चल रही मेरी सरकार समाज के हर वर्ग को उचित अवसर देने में जुटी है। पहली बार सामान्य वर्ग के गरीबों को आरक्षण की सुविधा दी गई है। मेडिकल में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए ओबीसी के केंद्रीय कोटे के तहत दाखिले में 27% आरक्षण सुनिश्चित किया गया है।